हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, कुछ सिखाने वाला हूँ नई चीज़। एक्चुअल में मेरे पास जो सैमसंग का आप लोग फ़ोन देख रहे हैं, इसका टच और फोल्डर लगाना था अपन लोगों को। इसका टच और डिस्प्ले दोनों टूटा हुआ था, तो इस फ़ोन में एक्चुअल में प्रॉब्लम साथ साथ में ये है कि जो नीचे सेंसर वाली कीज़ होती हैं, बैक वाली, ऑप्शन वाली और होम की जो होती है, ये तीनों की तीनों ही वर्क नहीं कर रही हैं। तो इसका क्या है कि एक की मतलब कि पत्ते की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग दोनों वो पीसीबी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, एक बैक वाली की, तो वो भी काम नहीं कर रही है, और ना ही ऑप्शन वाली की काम कर रही, कोई भी नेविगेशन की काम नहीं कर रही है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग कई सारे फ़ोन और कई सारी ट्रिक्स भी सीख सकते हैं साथ साथ इसको बनाने के। तो मत सोचिएगा सिर्फ आप लोग इसी मॉडल बस का सेंसर रिपेयर कर पाएंगे, इसके साथ में आप लोग किसी भी फ़ोन का सेंसर रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो सैमसंग का J218 हो और या सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो जिसमें नेविगेशन की के लिए अलग से टच में नहीं रहता, सप्लाई वो बोर्ड में रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चेक करवाऊंगा कि आप लोग देख लो कि इसका सेंसर काम नहीं कर रहा है कोई भी, बिकॉज़ फ़ोन लॉक है, इसके लिए सिर्फ मैं बैक वाली बटन ही चेक करवा पाऊँगा आप लोगों को। तो एक मिनट वेट करते हैं फ़ोन के ऑन होने का, और जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे है और क्या क्या है। आप लोग अभी देख सकते हो कि फोल्डर एकदम से नया लगा हुआ है, और मैं इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को चेक करवाऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से फाइंड की मैंने प्रॉब्लम, और इसको अब मैं सोल्यूशन कैसे निकाला। जैसे कि फ़ोन ऑन हो गया, अब ऑन होने के बाद इस पर ये पैटर्न के लिए जब लॉक खोलते हैं तो इसमें बैक कर रहा है, ऑप्शन वाली नीचे वाली कोई भी की दबा रहे, पर फ़ोन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। एमरजेंसी कॉल पर क्लिक करते हैं जैसे, उसके बाद भी अपन लोग डायरेक्ट बैक कर रहे हैं ना, फिर भी देखिए बैक नहीं हो रहा है, जबकि नीचे से मैं पूरा दबा के ही बैक कर रहा हूँ, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जबकि ये फ़ोन तुरंत ही काम करता है सेंसर इसका, चाहे फ़ोन कैसा भी हो। अभी फ़ोन को स्विच ऑफ़ करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, पैटर्न लॉक की वजह स्विच ऑफ़ नहीं होगा, डायरेक्ट बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी। अपन लोग हर कस्टमर से पैटर्न लॉक पूछते भी नहीं, उनके सामने उसे चेक करवाते हैं, टच और डिस्प्ले सारा कुछ। तो बोर्ड को निकालते हैं और आप लोग शुरू से ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे हम लोगों ने रिपेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके जो पिन आउट हैं और जो सेंसर्स की जो की हैं जिससे टच होती हैं पिनें, वो की पूरी सही हैं, लेकिन जो बैक वाले सेंसर वाली की है उसके नीचे हल्का सा कार्बन जमा हुआ दिखता है। आप लोग भी देखिएगा, ऐसा लगा जैसे यहाँ पर पानी गया हुआ है, तो इसकी वजह से पहले हम लोगों को लगा कि ग्रीन ग्रीन आप लोग देख सकते हो की के नीचे, मुझे लगा हो सकता है कि इस जो ये पिन आउट है इस पे हो सकता है सिग्नल ना आ रहे हों। तो उसे सबसे पहले तो साफ़ करके और इसकी सप्लाई देखते हैं, जो जिस सर्किट से आ रही है उस सर्किट से यहाँ तक की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन इसके बगल में लगा हुआ है माइक, तो माइक के ऊपर सबसे पहले लगा देंगे टेप, फायर प्रूफ टेप, जिसकी वजह से माइक के अंदर पेट्रोल या कोई भी केमिकल ना जाए, क्योंकि अगर नहीं तो फिर माइक भी ख़राब हो जाएगा, तो एक काम के दो काम हो जाएंगे। तो आप लोग भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान दिया कीजिए, सैमसंग वगैरह के फ़ोन बनाइए तो, कि हमेशा माइक वाले जो होल होते हैं या माइक के ऊपर फायर प्रूफ टेप या डबल टेप, मतलब कुछ ना कुछ जरूर लगा दी, मतलब उसके अंदर केमिकल ना जाए, इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब अपन लोग इसको करेंगे अच्छे तरीके से साफ। सबसे पहले नंबर का सेटअप यही होता है, ठीक है, सेटअप बाय सेटअप मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये इजीली तरीके से नहीं बनता है। इसकी मुझे तीनों बटने रिपेयर करनी हो पड़ी थी, और तीनों की सप्लाई चेक करना, तीनों की सप्लाई ढूंढना और आप लोगों के सामने पूरा टेस्ट करवाना तक का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसे मैंने कैसे ठीक किया था। अब इस पे चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि सप्लाई इस पे आ रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती ही है, कोई भी अगर पीसीबी के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं तो उनमें वैल्यू ज़रूर शो करता है मल्टीमीटर पे। तो सबसे पहले वैल्यू चेक करते हैं कि इस पे कितनी वैल्यू आ रही है और क्या वैल्यू आ रही है। तो मल्टीमीटर की शॉर्टिंग चेक करते हैं, मल्टीमीटर वर्क कर रहा है नहीं, तो मल्टीमीटर वर्क कर रहा है। अब चेक करते हैं इसकी शॉर्टिंग, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, आप लोग देख सकते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा मल्टीमीटर, इसका मतलब इस पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। जब कोई भी सप्लाई नहीं आ रही तो सबसे पहले अपन लोगों को इसको चेक करना पड़ेगा सप्लाई कहाँ से कटी हुई है। तो इसकी पिन आउट दिख रही है, ट्रैक दिख रहे थे, उस ट्रैक को सबसे पहले अपन लोग स्क्रैच करते हैं आगे चल के, और वहाँ पर स्क्रैच करने के बाद जिसका पिन आउट है सिग्नल वाला नेविगेशन की का, वहाँ से लेके इस पिन आउट पे सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा ये चेक करते हैं। तो उसका जो पिन आउट है जो जा रहा है पीसीबी में आईसी तक का, वो पिन आउट ईजिली दिख रहा था, ये जो आप लोग पिन देख रहे हैं बैक की वाली उसके पीछे से ही दिख रहा था। तो वहाँ पे भी मैं स्क्रैच करके वहाँ से उसका ट्रैक निकालूंगा, और वहाँ से उस ट्रैक के बीच का
कंटिन्यूटी चेक करूंगा कि वो ट्रैक से और वहाँ तक सिग्नल आ रहा है या नहीं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पानी गया हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे कंपोनेंट गले हुए हैं। और ये कंपोनेंट भी जो ऑप्शन वाली की होती है और होम की होती है, वहाँ से कनेक्शन यहाँ से होता है, और यहाँ के ये कंपोनेंट हिल भी रहे हैं हमारे मल्टीमीटर से, क्यों गले हुए भी हैं, तो उन्हें भी शॉर्ट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, जो ख़राब होंगे या तो चेंज करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर ये शॉर्ट वॉर्ट करने से बन जाते हैं, चेंज नहीं करना पड़ता। कंडेंसर कैपेसिटर जो होते हैं उन्हें आप रिमूव कर देंगे तो भी सही हो जाएंगे, और जो फ्यूज वगैरह लगे होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, उन्हें अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो कई सारे वर्क करने लगते हैं, कुछ जगह के वर्क भी नहीं करते। तभी मैं ये पिन के पीछे तरफ जो सप्लाई आ रही थी उसको स्क्रैच करके और वहाँ से और उस पिन तक की सप्लाई चेक करूँगा कि आ रही है या नहीं आ रही है। ये कंटिन्यूटी पे चेक हो जाता है बहुत इजीली तरीके से, अगर आप लोगों से थोड़ा सा काम आएगा तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोज़ देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में। तो चलिए अब चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी, और उस ट्रैक पे चेक करते हैं वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। उस ट्रैक पे भी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब फॉल्ट इस ट्रैक के आगे का है। अब उस ट्रैक से उस पिन पे सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही, जो बैक वाली, तो आप लोग देख सकते हैं उस ट्रैक से नेविगेशन की जो बैक वाली की होती है उस पर सप्लाई बराबर जा रही थी। अब फॉल्ट पीछे तरफ से है, क्योंकि जो इसकी सप्लाई होती है वो पीछे तरफ जा रही है बोर्ड के, अब वहाँ से इसकी सप्लाई हमें चेक करना पड़ेगा जाती कहाँ तक है। लेकिन वो बीच बोर्ड से ही क्रेक है, तो वो अपन लोग मल्टीमीटर से चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपन लोग इसमें जो भी कंपोनेंट गले हुए हैं वो सारे कंपोनेंट सबसे पहले तो मैं रिमूव करूँगा, और जो कंपोनेंट ग्राउंड नहीं है, जो सप्लाई को पास कर रहे हैं, उन्हें शॉर्ट करूँगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देखिएगा, सर्जिकल ब्लेड से यहाँ पे कुछ सील्ड किया गया है कंपोनेंट को, जो वाटर के डैमेज की वजह से ख़राब वराब ना हो, वो सील्ड पेस्ट को निकालूंगा मैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत आराम से निकालना होता, नहीं तो कुछ कई सारे कंपोनेंट उखड़ जाएंगे, प्रिंट व्रिंट उखड़ जाएगा, तो बाद में आप लोगों को रिपेयर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे दो पास करने वाले रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो सप्लाई को पास करते हैं, इनको मैं रिमूव करके और इनको डायरेक्ट शॉर्ट करूँगा सोल्डरिंग आयरन से। सबसे पहले इसमें से एक जो कंपोनेंट है वो है ऑप्शन वाली की का, और एक है होम की का भी इसी पे है, लेकिन जो बैक वाली की का कंपोनेंट है वो इस पे नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरे कंपोनेंट हिल रहे हैं, और ये हल्का सा मैंने उसका पेस्ट निकाला, उसके साथ में कंपोनेंट भी निकल गए, लेकिन इन कंपोनेंट को मैंने शॉर्ट कर दिए तो ये बराबर काम कर रहे थे। तो आप लोग अभी इस पूरे वीडियो को देखते रहिए कि मैं इस पूरे फ़ोन को कैसे रिपेयर किया हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से और मतलब तरीके से अगर आप लोग काम करेंगे तो कोई भी काम करते हैं तो वो काम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता। वैसे बहुत सारे लोग पत्ता चेंज करने लगते हैं, ये आजकल पत्ते भी आते हैं, कम पार्ट्स आते हैं पूरे, तो लोगों को लगता है बस पार्ट्स उठाए लगा दिए बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें चेंज करने से नहीं होती, रिपेयरिंग पीसीबी की करना जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। अभी मैं उन कंपोनेंट्स के नीचे देखूंगा कि वहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, तो वहाँ पे वैल्यू आ रही है बराबर और वैल्यू पास नहीं हो रही, तो उन कंपोनेंट को मैं शॉर्ट करके सबसे पहले, क्योंकि वो ग्राउंड नहीं थे, पास कर रहे थे सिर्फ सप्लाई को, तो उन्हें मैं शॉर्ट करके उनकी सप्लाई को आगे बढ़ाता हूँ वहाँ से। उसके बाद मैं जो इसका बैक वाला की है उसका भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसे मैंने कैसे रिपेयर किया हुआ है। सबसे पहले अच्छे तरीके से मैं नीचे से चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ जो ऑप्शन वाली की होती है और होम की होती है, वहाँ की सप्लाई यहाँ तक आ भी रही है या नहीं, या ये कंपोनेंट किसी और काम के लगे हैं। इसके लिए मल्टीमीटर से यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जब कंटिन्यूटी चेक की तो नीचे जो पिनें दी हुई थी, जो ऑप्शन वाली की पे जा रही थी और होम की पे जा रही थी, तो उनकी सप्लाई यहाँ पर बराबर आ रही थी। तो अब मैं इसको पूरा शॉर्ट करता हूँ और सप्लाई को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं वो मैंने शॉर्ट कर दिए हैं उन हिस्सों को जो उखड़े हुए थे। अब मैं आगे कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को देखते रहिए इस वीडियो को कि मैं उसे कैसे रिपेयर कर। आप लोगों को अपनी आँखों से ही सारे कंपोनेंट्स चेक करने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट पानी की वजह से गले हुए हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस जब होगा ना, आप लोग कंपोनेंट्स को पहचानने लगोगे और अच्छे कंपोनेंट और बुरे कंपोनेंट देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाएगा। आप लोग इसको किसी मशीन से नहीं चेक कर सकते हो कि कंपोनेंट ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट गल जाते हैं, गले कंपोनेंट को पहचानना। और मैंने जो सप्लाई बता रहा था बैक की वाली जो नहीं मिल रही थी, वो एक आईसी लगी हुई थी, उसके बगल में कंपोनेंट लगा हुआ है, वहाँ से जाती है, तो मैं वहाँ से और वहाँ तक का एक जम्फर दूंगा, आप लोग देखें इस कंपोनेंट से। और यहाँ से इसकी सप्लाई ब्रेक थी, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, थोड़ा जूम करके भी दिखाया मैंने,
और जहाँ से मैंने सर्किट चेक करने के लिए स्क्रैच किया हुआ था वहाँ पे मैं इसको जोड़ दूँगा एक बार। आप लोगों को भी मैं जूम करके भी वहाँ पे दिखाऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या शॉर्ट किया है, कहाँ से सप्लाई ली है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम रिपेयर करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मेहनत हो, लेकिन जब आप कंटिन्यू ये काम करने लगेंगे तो फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोगों से सारे काम ईजिली बनने लगेंगे। इसको तार को सर्जिकल ब्लेड की मदद से मैं काटता हूँ यहाँ पे, और अब चेक करूँगा यहाँ पे कंटिन्यूटी और वैल्यू यहाँ पे अभी क्या आ रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को सारा कुछ चेक करवाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जहाँ के कंपोनेंट गले हुए थे वहाँ पे मैंने सोल्डरिंग आयरन वायर से शॉर्ट किया हुआ है, और जहाँ से मैंने जम्फर दिया हुआ है उस हिस्से को भी आप लोग देख सकते हो कौन से कंपोनेंट से मैंने दिया हुआ है, और जहाँ पे पूरे कंपोनेंट गले थे मैंने उसे अच्छे तरीके से शॉर्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से भी सप्लाई जाने लगी है। अब मैं बोर्ड को फिक्स कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने दिखाता हूँ कि ये की वर्क कर रही है या नहीं, हम सब लोग देखते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। फ़ोन की बैटरी थोड़ा सा लो है तो इसको चार्ज पे भी लगा देते हैं, कहीं ऑन होते होते ऑफ़ ना हो जाए। अब आप लोग देख सकते हो फ़ोन की ऑन हो चुका है, चार्जर मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा सा चेक करने में आसानी होगी। आप लोग देख सकते हो जम्फर भी मैंने कहाँ से मारा हुआ है, और अब आप लोग देखें कि मैं इसका पैटर्न ओपन करता हूँ और इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करता हूँ, और देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये बराबर से वर्क कर रहा है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।